विमान के टायर नाइट्रोजन से भरे होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज्यादातर निष्क्रिय होती है, जिसका अर्थ है कि इसे अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचे तापमान पर ऑक्सीजन रबर के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। ऑक्सीकृत रबर गैर ऑक्सीडित रबर की तुलना में कमजोर है और कमजोर टायर पसंद नहीं किए जाते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में बहुत तेजी से रबर के माध्यम से फैलता है। इसका मतलब यह है कि 95% नाइट्रोजन मुद्रास्फीति के प्रयोजनों के लिए नाइट्रोजन गैस का मानक प्रतिशत से भरे टायर लंबे समय तक दबाव बनाए रखेंगे। इससे रखरखाव कम होता है, जिसकी लागत कम होती है। सही दबाव के साथ काम करने वाले टायर समय से पहले पहनने के लिए कम प्रवण होते हैं। कम पहनने का मतलब है कि कम टायर, कम परिचालन लागत और जमीन के संचालन के दौरान कम गर्मी पैदा करना। अधिक टायर का तापमान टायर के चलने के प्रदूषण या ब्लोआउट के जोखिम को बढ़ाता है। सुरक्षा चिंताओं के अलावा, जो वास्तव में खराब नहीं है, ब्लोआउट बहुत बार बार होते हैं। टायर के टुकड़े से विमान की संरचना को नुकसान हो सकता है, इंजन में चूसा जा सकता है और निश्चित रूप से असमान लोडिंग के कारण लैंडिंग गियर पर पूर्ववत तनाव का कारण बन सकता है। एक टायर के नुकसान से लैंडिंग गियर के अन्य टायर पर अतिरिक्त लोडिंग भी हो सकती है, मतलब सिर्फ नाक गियर या मुख्य गियर में से एक और अन्य टायर को शर्त की परवाह किए बिना बदलने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई किताब से ली गई है। हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन दबाना भी मत भूलना। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना।